प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर और स्थिति की समीक्षा की। उन्हें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा संबंधी स्थिति से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने उनसे आतंकवाद रोधी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने को कहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बात की व आतंकवाद रोधी अभियानों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की और केंद्र शासित प्रदेश का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा जिले में 4 स्थानों पर हमले किए हैं, जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। साथ ही CRPF का 1 जवान भी शहीद हुआ। इसके अलावा 7 सुरक्षाकर्मी और कई अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा अलग अलग जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। संदिग्ध आतंकियों के स्कैच जारी हो रहे हैं। ऑपरेशन से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि 72 घंटों में 3 हमले, ये एक सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ताजा घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही बॉर्डर पर सीज फायर लागू है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सदस्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। सेना के सूत्रों ने ये बात मानी है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन में आतंकियों को हर तरह की मदद पहुंचाने वाली ब्लैक शिप मौजूद है। इनके चलते पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लैक शिप की खोज और पहचान के लिए अलग से ऑपरेशन शुरू किया गया है। पिछले कुछ समय से आतंकियों का फोकस कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर अधिक हो रहा है। रविवार को जम्मू के रियासी में आतंकवादियों ने शिवखोड़ी मंदिर से कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों की एक बस को निशाना बनाया था। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि एकाएक जम्मू कश्मीर की तरफ आती आतंकी संगठनों के हमले में जो तेजी देखी जा रही है, उसके पीछे घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया इकाई के सूत्रों का भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी घुसपैठ संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि ये घुसपैठ एक ही बार ना हो, छोटे छोटे अंतराल पर हुई हो। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में आतंकियों की नई भर्ती में भी काफी गिरावट आ गई है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को घाटी में नए चेहरे नहीं मिल रहे हैं।